घूट घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है। पेट को हमेशा लार की जरूरत है क्योंकि यहां एसिड बन रहा है। एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे, खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए, नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। और वही एसिडिटी है जो आपको हार्ट अटैक लाती है, कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाती है, ब्रेन हेमरेज करा देती है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं आप। गंभीर से गंभीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते हैं। आप पानी गटागट गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, हमेशा पानी घूट घूट भर के घुमा घुमा के पीना है। सुबह का पानी हो या दोपहर का, शाम का, जब भी पिए घूट घूट भर के। पानी कैसे पिए, तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, अच्छा नहीं। आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रख के ही पानी पिए। हमारे भारत में मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करे। भारत में हजारों साल की जो सभ्यता है, गिलास नहीं है, ये गिलास जो है ना विदेशी है, गिलास भारत का नहीं है, ये गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया। ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, लोटा है, लोटा, लोटा और गिलास का अंतर आप, लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है। तो भागवत जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याज्य करें, वो है नहीं, अच्छे काम के नहीं है। तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है, फर्क सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूं। पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं, पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा, पानी खत्म हो गया। दूध में मिलाया तो दूध का गुण, तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का। अब लोटे का गुण क्या, लोटा गोल है ना, गोल है ना, और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है, हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। हर गोल चीज का क्योंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है, इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सरफेस टेंशन कम है। तो कम सरफेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है। सरफेस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर। इसी तरह से कुएं का पानी, कुआं गोल है ना, सबसे अच्छा। ये सारे साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं, आप जानते हैं, ना मिले तो बिहार कर जाते हैं, जहां कुआं मिलेगा वहां पिएंगे। देखा ना आपने साधु संत, वो कुएं का पानी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि कुआं गोल है, कुएं की सरकमफरेंस कम है और सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है। और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है, पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरा देखिए। आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है, आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है, कचरा उसी में जाके फंसता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है। यह तभी संभव है जब सरफेस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हैं। तो अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो यह कचरा बाहर नहीं निकालेगा। मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, आज घर जाइए और दूध लेके चेहरे पर लगाइए थोड़ी देर और 5 मिनट बाद रुई से पूछिए तो रुई काली हो गई है ना, कैसे, अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आया। कैसे बाहर आया, वो दूध ने बाहर लाया। अब दूध कैसे बाहर लाता है, दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है। तो जैसे दूध आपने अप्लाई किया, दूध ने इस त्वचा के सरफेस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तु का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा। तो यहां दूध ने सरफेस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया पानी करता है पेट में, यही सेम। आपने पेट में पानी डाला, बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन इसने कम कर दिया तो बड़ी आंत और छोटी आंत थोड़ी खुल गई और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया। और हाई सरफेस टेंशन का पानी पिए, ज्यादा सरफेस टेंशन का, तो आंतें सिकुड़ेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है, तनाव कम होते समय चीज खुलती है।
तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा हाथों में अंदर बंद हो जाएगा। अब यही आपको मूल व्याध, बवासीर, भगंदर सब करेगा। इसलिए सरफेस टेंशन कम वाला ही पानी पीना, लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है। गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है।